والصلاة والسلام على رسول الله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته everyone Um, आप लोगों को ठंड तो नहीं लग रही नहीं फिर इतना ठंडा जवाब क्यों दिया आपने <laughs> जितने लोग यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह। माशाला वरह एवरीवन वन जैद दिस इज़ हाउ इट इट इज आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस टॉक विद एन इंसिडेंट, एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि कुछ दिन पहले इस्लाम में हुआ आप लोगों की नज़रों से वो ख़बर गुज़री होगी कि जिसमें एक खातून अपने कोलीग के साथ एफ़ नाइन पार्क जो कि फ़ातमा जना पार्क है इस्लामाबाद में वहाँ पे रात को आठ बजे बैठी हुई थी और दो लड़के आए उनके पास वेपन्स भी थे रिपोर्टेडली और उन्होंने उस लड़के को वेपन दिखाए और वो लड़का भाग गया एंड दे रेप डैट लेडी मल्टीपल टाइम्स और वो बेहोश हो गई और फिर उसको 800 या हजार रुपये हाथ में पकड़ा के कि तुम टैक्सी करवा के घर पहुंच जाना और जब वो होश में आई तो वो शी वॉज रेप्ड मल्टीपल टाइम्स और फिर वो घर चली गई जो हुआ सब कुछ बहुत अनफॉर्चुनेट है बहुत दुख देने वाला है लेकिन वट आई वज थिंकिंग वॉज यहां पे अगर इसका शोहर होता यहां पर अगर इसके साथ इसे खावन बैठा हुआ था वो तो अपनी जान ना कुर्बान कर देता वो तो कहता कि तुम पहले मेरी लाश से गुजरोगे तो मेरी बीवी तक पहुंचोगे लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि जैसे ही वो दो लोग आए और उन्हें वेपन्स अभी निकाले सी तो उसने अपनी भागने की दि वेरी सैड आई एम नॉट जजिंग एनी वन कौन रात को आठ बजे कहाँ बैठा हुआ था बट वट आई एम सेग इज कि यहां पर अगर उसका शौहर होता तो वो कभी भी ये ना होने देता वो लड़ता वो मर जाता वो हर किस्म की एफर्ट करता और वो अपनी बीवी को किसी को हाथ ना लगाने देता वेन वी गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ अला सुबहाना वाली ईवल हैपन टू अस एंड ईवल थिंग्स हैपन टू आर सोसाइटी एज वेल जिसको हम मोहब्बत समझते हैं ना माई टॉपिक वॉज लव एंड रिलेशनशिप्स और यहाँ पे मैं जो लव की बात करूँगा वो उसी मोहब्बत की बात करूँगा जिसको आप सुनने के लिए आए हुए हैं इनशा मोहब्बत जो है ना लव ये बड़ी वेग टर्म है वेन एबर वी फील क्या हम किसी को देख रहे हैं वी फील बटरफ्लाइज इन आरस्टामा कैंड पीछे से वो लोग उठ के वायलिन बजाने शुरू हो गए हैं और पत्ते गिरना शुरू हो गए वी फील दैट वी आर लव दिस नॉट लव अच्छा एक लव गुरु हैं, वो लव की ना कुछ स्टेजेस बयान करते हैं लेट मी टेल यू व्हाट लव इज पहले तो चले आपसे पूछता हूं ये बताएं कि लव हलाल है या हराम है जी हलाल है यहाँ तो माशाल्लाह इजमा है क्या मोहब्बत भरा समा है माशा सब ने क्या हलाल है हाँ आमतौर पर हम मौलियों की दाढ़ी दे के लोग कहते हैं हराम है भाई डिपेंड्स <laughs> मोहब्बत किस से की जा रही है अगर तो वो जो लव है वो किसी खातून से की जा रही है जो कि यूनिवर्सिटी में क्लास में पढ़ती है तो वो और उसके बाद एक्शन भी उठाया जा रहा है तो दिस इज़ नॉट हलाल लेकिन अगर वही मोहब्बत माँ बाप से है बहन से है और अपनी बीवी से है तो इट्स सलाल चल और क्वेश्चन पूछता आपसे मैं इज लव इंटेंशनल और अन इंटेंशनल कौन कहते हैं लव इज इंटेंशनल हाथ खड़ा करें कौन कहते हैं लव इज अन इंटेंशनल हाथ खड़ा करें कौन कहते हैं खुदाई कैसे मुझे कुछ नहीं पता हाथ माशाल्लाह ख... <laughs> माशाल्लाह कहते हैं ला ला इल्म। ये कहना है कि आई ये हाफ ऑफ नॉलेज है माशाल्लाह तो यहाँ पे आधे बैठे माशाल्लाह सो लव जनरली इज अन इंटेंशनल इट कैन भी इंटेंशनल एज वेल लेकिन हम लोग इस दौर में मजबूरन अपने आप को मोहब्बत करवाते हैं किस किसने बचपन में सिंड्रेला देखी हाथ खड़ा करें और किस किस ने बचपन में स्लीपिंग ब्यूटी देखी है हाथ खड़ा करें और किस किस ने वो स्नो वाइट देखी है हाथ खड़ा करें माशाल्लाह सिस्टर्स तो बड़े फखर से हाथ खड़ा कर रही है लड़के शर्द शर्मिंदगी से हाथ खड़ा कर रहे हैं कि यार हमने भी ये देखी है लेकिन सिस्टर्स तो माशाल्लाह ऐसे हाथ जा रहे हैं उसमें सिंड्रिला में क्या पढ़ाया गया है इट वॉज अ मूवी इट वॉज अ स्क्रिप्ट लेकिन असल जो सब लिमरली मैसेज दिया गया है ना हमारी बहनों को पता क्या दिया गया है यू शुड लुक प्रिटी यू शुड भी जीरो साइज एंड एज लॉन्ग एज यू आर प्रिटी एंड जीरो साइज यू विल फाइंड अ प्रिंस चार्मिंग वन डे एंड यू विल लिव हैप्पी एवर आफ्टर इवन इफ यू हैव टू स्निकउट योर हाउस बाय मिड नाइट वी डोंट केयर तुम्हारा कुरान से ताल्लुक कैसा है वी डोंट केयर तुम्हारा मां बाप से रिश्ता कैसा है वी डोंट केयर तुम्हारा अखलाक और किरदार कैसा है तुम्हारे अंदर मॉडस्टी है या नहीं 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 यू 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 शुड लुक एंड एंड विल विल फाइंड अ अ प्रिंस चार्मिंग लिव ब्यूटीफुल लाइफ वन डे स्लीपिंग ब्यूटी में तो ये घोल के पढ़ा दिया गया है कि तुम्हें बस खूबसूरत दिखना है चाहे तुम सोई पड़ी भी होगी ना लेटी मरी पड़ी होगी तो तुम्हारेमैन शेरिफैन में आगे हाजिर हो जाएंगे आप देखते नहीं कि आजकल बहुत सारी लड़कियां ओ ए लेवल्स में अभी उससे भी कम दे इंड्यूस खाने के बाद मैं जानता हूं खातून को जो शुरू में यानी खाना खाते इंड्यूस वॉमिटिंग करती थी ताकि वो सारा निकल जाए और उनको फैट ना चढ़े एंड नाउ इट्स हर मेंटल डिजीज राइट नाउ बुलूमिया जैसे बोलते हैं अब उनको हैबिट है अब वो कोई भी खाना खा के उसको अंदर रख नहीं सकती शी वॉमिट्स ऑल द टाइम she needs calcium, she needs milk, she needs such शी stuff। mm -hmm. क्यों अपने nutrition पूरा करने के लिए ना इट्स a... और कितने ही खातिन depression, anxiety के शिकार हैं because of I'm not looking beautiful। obesity की जो layer है ना वो ख़ातन को बहुत hit की हुई है और उसकी वजह से depression की बात कर रहा हूँ मैं इट्स नथिंग रॉन्ग कि कोई शख्स ओबीस है या नहीं कोई परवाह नहीं है लेकिन उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाना कि आई डोंट आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर अब मुझे कोई वैल्यू नहीं करता यह हमें हमारी मूवीज़ ने बताया हुआ है और हॉलीवुड बॉलीवुड ने हमें घोल के पढ़ा दिया कि देखो तुम चाहे एस्ट्रोनॉट हो और हम मूवीज़ में देखते थे कि वो स्पेसेप पर जा रहा है और दुनिया के बड़े बड़े काम करने जा रहा है उसको वहाँ पर अपने असिस्टेंट से मोहब्बत हो रही है माशा एक डीप सी डाइवर है वो समंदरी गहराइयों में जा रहा है सब मेरीन में घुस रहा है और ज़मीन को बचाने के लिए जा रहा है उसको वहाँ प्यार हो रहा है जरासत पार्क में बंदा आगे भाग रहा है डायनासोर पीछे भाग रहा है उसको वहाँ मोहब्बत हो रही है मेरे दोस्तों को प्यार हो रहा है मेरे कजन्स को प्यार हो रहा है लेकिन मैं ही पागल हूं मुझे प्यार नहीं हो रहा तो इसलिए कहते हैं कि अब हम भी मोहब्बत करके रहेंगे और शायर इनके बारे में कहता है ना इरादे जिनके पुख्ता हों नजर जिनकी खुदा पे तो नहीं होती ऐसे लोगों की नजर किसी खातून पे होती है तो मुस्लिम हमारी एथिकल मॉरल वैल्यूज क्या है कि जब भी तुम किसी खातून पे नजर पड़े तो अपनी नजरें नीचे कर लो लेकिन ये जब किसी खातून को देखते तो नजर नीचे करते तो हैं कहते हैं ये कौन गुजरी है? और फिर जा तो क्लास की तरफ मगर अपना किबला बदल लिया और अपने दोस्त को बुलाया जो सीआईडी वाला दोस्त है दया पता लगाओ, कहते हैं लाले की जान ये बता तेरी भाभी का नाम क्या है वो कहते हैं तो हम फिर इंस्टाग्राम निकालते हैं और नसरीन टाइप चेक करते हैं और अस्सी नवे नसरीन आए सामने निकलती हैं एक एक को देखते गए और जिस दिन वो नसरीन मिली तो नारे तकबीर अलहमदुल्ला नसरीन मिल गई और फिर उसको मैसेज किया इस्तेखारा करके <ख़ागा>। और मैसेज में लिखा ए ओ ए और सिंस हमारी अंग्रेजी बड़ी कमाल की है तो लिखा आई वॉन्ट टू बी फ्रेंडशिप विद यू सो लव शुड बी अन इंटेंशनल वी मेक इट इंटेंशनल और आर सेल्व के नहीं अब हमने भी मोहब्बत करनी है मुझे क्यों नहीं मोहब्बत हो रही लगता है माजी ने मुझे बचपन में आयोडीन मिला नमक नहीं खिलाया कि मुझे प्यार नहीं हो रहा एन नॉट बी इन लव इज समट इज एब नॉर्मल इन आर सोसाइटी यकीन जानो कोई बॉय किसी बॉय से पूछता है दोस्त दोस्त से पूछता है कि लाल की जान तू यूनिवर्सिटी में है कॉलेज में हाई स्कूल में ग्रेजुएट कर रहा है डिड यू एवर गेट डेट अ गर्ल इन योर लाइफ हैव यूर बीन टू तो अ गर्ल और वो कह दे नहीं यार मैंने ऐसा कम आज तक नहीं किया तो वो क्या सोचते हैं वाट प्पू बच्चा है, <laughs> ममी है। उसकी इज्जत बढ़ जाती है कम हो जाती है अनफॉर्चुनेटली कम हो जाती है हालांकि उसने तो नबी की सुन्नत पे अमल किया था वो तो डिसिप्लिन वाला इंसान है उसको तो नफ्स पे काबू और कंट्रोल है तू तो वियर्डो तो तो है तुझे तो, 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 तो पता ही कुछ नहीं है कोई बहन किसी बहन से पूछे कोई दोस्त आपस में बैठे यूनिवर्सिटी में डिवर डेट यू बीन टू क्लब कहते हैं मैंने मैंने पाक जिंदगी गुजारी है मैंने तो जारा की सुन्नत पे अमल किया है आशा की सुन्नत पे ओके okay, ओके okay. हमने उनकी सुन्नत पे अमल किया और हमने एक पाक जिंदगी गुजारी है तो वो कहती किस दौर की बात कर रही हो यार यू आर फ्रॉम स्टोन एज ये बहुत नया दौर आ गया सो so, लव मैं लव के टॉपिक पे बात कर रहा था लव की बहुत सारी कैटेगरीज हैं हमें तो हर चौक पे प्यार हो रहा होता है हर गली में प्यार हो रहा होता है लव इज डिफरेंट इतने तैमिया रहम अल्लाह लव की स्टेजेस बयान करते हैं और कहते हैं लव एक चीज का नाम नहीं है इट हैज डिफरेंट स्टेजेस एंड द फर्स्ट स्टेज इज अल अल्लाका अल अल अटैचमेंट Attachment, कनेक्शन जब इंसान आगे बढ़ता जाता है और फीलिंग्स मजीद डेवलप करता जाता है और अपने आप को रोकता नहीं है तो फिर आगे आता है असबाहचुएशन कनेक्शन अटैचमेंट के बाद इनफैचुएशन होने शुरू हो जाती है एंड दीज टू आर डिफरेंट और फिर उसके बाद एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं अलगराम जो कि ग्रिपिंग लव पकड़ लेते हैं इंसान को फिर वो दिल से निकल नहीं रहा होता इसीलिए अरबी में जो डेट में हो ना जिस पे एक कर्जा उसको क्या बोलते हैं गरीम गरीम कब वो जो कब उसका जो डेट है ना वो उसको पकड़ के रखता है छोड़ता आसानी से नहीं है इसलिए जहन्नम के अजाब को क्या क्या कहा गया रब ना सिर्फ आना अजाब जहन्नम इ अजाब का ना गौराम पकड़ लेता है आग गरीम इज ग्रिपिंग लव पकड़ लेता है और फिर इंसान मोहब्बत में बढ़ता जाता है तो फिर उसको होता है अल इश्क जिसमें उसको अपनी भी परवाह नहीं होती अपनी भूख भूख की अपनी नींद की अपने काम की अपने आप को भी इंसान भूल जाता है उसके बाद एक स्टेज आती है उसको बोलते हैं अत इंसलेवमेंट कि इंसान ना अगले का गुलाम बनता जाता है कि तुम जो कहोगे मैं करूंगा यस सर समय ना आना तुम जो कहोगे मैं तुम्हें तो सिर्फ पाने के लिए कुछ भी मां को छोड़ दूंगा बाप को छोड़ दूंगा अपनी जॉब छोड़ दूंगा कुछ कहोगे अपनी जान मैं कट्स लगा लूंगा अपने पर तो तुमने अगर मुझे ना रिप्लाई किया या मुझे ना रिस्पोंड किया तो आई किल माई सेल्फ और जब इंसान ये भी करता है तो फिर इसकी अगली स्टेज आती है अता कि इंसान उसके सामने सजदे भी करने के लिए तैयार हो जाता है तो इंसानों के साथ जो मोहब्बत है ना वो अल इश्क तक रहती है उसके अलावा आगे नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ये जो देखिए हम कहते हैं हम क्या कहते हैं कि जो शख्स नमाज पढ़ा के ये क्या कर रहा है उर्दू में क्या कहते हैं क्या कह रहा है ये इबादत तो अब जो है ये लव की एक ऐसी स्टेज है कि इंसान गुजरता गुजरता रब की मोहब्बत में इतना पागल हो जाए कि मैं अपने रब के सामने क्या करूं उसके इतने इनामात है मेरे ऊपर इतना मुझे उसने नवाजा है कि यार नॉट डू एनीर जस्ट पुटिंग तेरा शुक्र अदा करूं और तेरी हम दो सना ये मोहब्बत की स्टेज है और हम तो दो नमाजें पढ़ी टकरे मारी और आगे और ना पहले की फीलिंग्स डिफरेंट है ना बाकी फीलिंग्स डिफरेंट है सो आई वॉज टाकिंग अबाउट लाव विद साम आर द स्टेजे लेकिन आपने <coughs> कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड के गाने सुनने होंगे एक हमारे दौरे जालेत में एक गाना था उसका नाम था तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं आगे कहता सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं यानी इंसान को इस हद तक ऑडियो फिल्थ की तरफ ले जाना कि इंसान क्या है सजदे सर झुकता है और हम बीइंग मुस्लिम्स ऑफ इस्लामा पाकिस्तान और गा रहे होते थे पर परवाही नहीं है कि इसमें शेर है तो इंसान उस स्टेज में पढ़ता जाता है आपको नहीं मालूम <coughs> देखिए शैतान जो है ना आपको कौन चाहता है बैफो का साइन क्या है बैफोमैथ का ऐसा साइन है ऐसा टू का ठीक है और ये भी साइन एक ईवल साइन है कि एक शैतान के दो सिंग है और वन प्लस वन इलेवन का जो वर्ड है ना ये सैटनिस्ट के यहाँ बड़े पॉपुलर है क्यों क्योंकि शैतान चाहता है कि एक इलाह नहीं है ला इलाह नहीं है एक मैं भी हूँ उसके साथ तो शैतान अल्लाह ताला को ना इमिटेट करना चाहता है अल्लाह तक का जो अर्श था वो पानी भी था काना अर्शल शैतान भी अपना अर्श पानी भी लगाता है अल्लाह तला ने अपने बंदे इब्राहिम को बोला कि अपने बेटे को कुर्बान करो मेरे लिए मेरी मोहब्बत के लिए और अल्लाह तला तो कुर्बानी नहीं चाहता वो तो सिर्फ टेस्ट करते मोहब्बत कितनी है मगर शैतान अपने चेलों को और अपने चाहने वालों को टेस्ट करता है कि तुम भी अपनी मोहब्बत शो करो एंड यू विल गेट फेम यू विल गेट लाइक्स यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ आपने ये टर्म नहीं सुनी आई हैव सोल्ड माई सोल टू द डेविल कितने ही म्यूजिशियंस ने और आर्टिस्ट ने ये पब्लिक में आके कहा आपको कहानी वेस्ट का केस नहीं पता कि जिसमें उसने रिसेंट इंटरव्यू में ये भी कहा कि आई सेक्रीफाइज माई मदर फॉर द सेक ऑफ डेविल उसने अपनी माँ का कत्ल किया कुर्बानी दी फेम के लिए और वो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल केस है कि वो और एक डॉक्टर मिले हुए थे और उसकी माँ अचानक से गायब हो गई फॉर द सेक ऑफ फन कि मोहब्बत में और इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात में इतना बढ़ता चला जाए कि ताबूत के दर्जे में पहुंच जाए बिली आइलिश को देख लें आप शी सेक्रीफाइज हर बेस्ट फ्रेंड फॉर द सेक ऑफ सेटन तो वो उस तरफ जा रहे हैं और मुसलमान हमने किस तरफ जाना है लेकिन हम उस तरफ क्यों नहीं जा रहे जिस तरफ हमने जाना और हम मोहब्बत में क्यों पढ़े लेट मी टेल यू सम रीजनस पहली बात तो यह कि रिसर्च कहती हैं रिसर्च कि जो लोग जिनको बच, जिनको घर से प्यार और मोहब्बत नहीं मिलती ना जिनको जो घर से रजे हुए नहीं होते द इजली फॉन ए लव जिनको माँ की छपियाँ नहीं मिलती ना जिनको बाप का प्यार नहीं मिलता बाप की तरफ से अप्रिसिएशन नहीं मिलती बाप तो नाइन टू तो फाइव में बिजी था और माँ भी सारा दिन कुकिंग और ड्रामा और मॉर्निंग शो में बिजी थी बच्चे जब गए तब भी मॉर्निंग शो चल रहा था जब आए तब भी कुकिंग चल रही थी तो वो हग्स किधर गए वो केसेस किधर गई वो बच्चे को लाड और प्यार केड्स है हंगर ऑफ लव जो बच्चे जिनको घर से नहीं मिलता ना वो पर बाहर आके मोहब्बत ढूंढते हैं और जो यहां पे बाप बैठे हैं और जो बाप बनेंगे अगर आप अपनी बेटी को आज प्यार नहीं देंगे ना और उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो उसका जो क्लास फेलो ना जावेद वो उसकी बड़ी तारीफ करेगा क्या हैंडराइटिंग है आपकी आप तो पिकासो की भी मां हैं क्या चेहरा अल्लाह ने आपको अदा किया और वो उसकी और फेशील लव क्योंकि बचपन से तो घर में कुछ मिला नहीं था और हमारे बेटे घर में आते हैं जी बाबा मैंने छक्का मारा बाबा आई वॉन्ट द गेम चलो मुझे काम करने दो मैं बिजी हूं तुम देख रहे मैं मीटिंग में हूँ इस टाइम वो जब स्कूल में होते तो परवीन बड़ी उसे अप्रिशिएट करती है आप तो शायद अफरीदी के भी क्या खूबसूरत तरीके से आप आउट होल इन लव वि कमाल आपका तो आउट होने में भी, भी एक स्टाइल है तो वो उसमें बड़ा जल्दी पड़ जाएगा सो so, पहली रीज़न जो हम इतना इमोशनली <coughs> इंटेलिजेंट है ना कि जो तारीफ करते जो प्यार के कुछ कलमत बोलते हैं, हम दिल फेंक देते हैं कि आई थिंक शी इज़ ओनली वन आई थिंक ही इज़ द ओनली वन नाट द दैटलिटी नॉट लुकिंग एट हमारी फैमिली का क्या रुझान कैसा है दीन कैसा है कुछ भी नहीं और दूसरी चीज़ मैं आपको बात बताऊं रिसर्चेस कहती हैं कि रिलेशनशिप बेस्ड ऑन टू मेनी टेक्स्ट मैसेजेस आर वीक रिलेशनशिप्स जो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज से बेस्ड होते हैं ना दे आर वीक रिलेशनशिप्स इमेजिन एक शख्स से स्टार्ट ही हुई कन्वर्सेशन और वो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू चल रही है दे आर वीक रिलेशनशिप्स उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो ये है कि रिसर्चेस कहती हैं उस पर लिखा हुआ है कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इंसान पूछना शुरू हो जाता है वेन यू आर टॉकिंग टू इच अदर फ्रॉम रात बारह से सुबह पाँच तक ये पैकेजेस किसके लिए लगाए गए हैं यूँ खाला से कॉल पे बात करने के लिए खाला आपकी तबीयत कैसी है और घर के हालात और वाकयात कैसे हैं रात को बारह से सुबह पाँच तक कौन बात करता है किससे ये इस जनाह को प्रमोट किया जा रहा है बाई मेन स्ट्रीम टेलीकॉम कंपनीज तो वो जब इंसान बात करता है तो कितनी बातें इंसान कर लेगा तो फिर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाते हैं अच्छा ये बताएं शादी के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे वो कितने हैं मॉलदीव जाएंगे नहीं 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 नेपाल जाएंगे और उसमें ये बताएं नाम क्या रखेंगे अपनी औलाद का मुझे अब्दुलरहमान बड़ा पसंद है नहीं, नहीं, मुझे हैदर बड़ा पसंद है और, hypothetical questions. And these are weak relationships. और एक और सबसे बड़ी बात जो हमारा दीन कहता है जो रिलेशनशिप शुरू ही हराम से हुआ है यू कैन नॉट स्टार्ट अ हराम रिलेशनशिप थिंकिंग ऑफ इट विल बिकम हलाल वन हलॉल इट्स जो शुरू ही हराम से हुआ है वो एक दिन बरकत का बायस कैसे बनेगा बड़ा मुश्किल है ये और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ ऑनेस्टली पर्सनल एक्सपीरियंस के जिन जिन लोगों ने हराम रिलेशनशिप शुरू किया ना 98 परसेंट केसेस में 98, 99 परसेंट केसेस में उनकी शादी नहीं हुई और जिनकी शादी हो गई उनके कंपेटेबिलिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे क्योंकि जो अल्लाह ताला की तरफ से एक शौहर और बीवी के बीच में निकाह के रिजल्ट में मददत आती है ना और रहमत आती है मुझे रिस्पेक्ट और डिग्निटी का लेवल आता है जब पहले से वो रिलेशनशिप चल रहा था तब तो वो रिस्पेक्ट और सब ख़त्म हो चुकी थी फिर उसमें बरकत उठ जाती है और मैंने अपने जितने भी केसेस देखे हैं बहुत कम का निकाह हुआ और एक को मैंने कहा तेरा निकाह मुश्किल हो जाए बट उसने कहा तो हाल मेक श्योर कि मेरा हो जाए मैंने कहा ठीक है वो बाहर था गूगल में जॉब कर रहा था वापस आया मंगनी करके दोबारा चला गया गया और वापस आया निकाह करने के लिए आया नज के यार मेरी जो ये फ़िलासफ़ी थी ये तो मुझे गलत हुए और ख़राब होते हुए नजर आ रही है कि बहुत मुश्किल से ऐसे लोगों के निगाह होते हैं बट जब उसका हो गया लिटरली तीन से चार महीने बाद देवोस्ट देर आर सम केसेज जो कि के चल पड़े जिन्होंने तोहबा की इस तक फ़ार की हो बट आई एम टेलिंग यू गाइज मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको इस्लाम हर बंदे की इमोशनल और फिज़िकल रॉइट्स की हिफाजत करता है मैं आपको पर्सनली बताऊं कि जब मैं दीन पे नहीं था ना और मैं जब एक गुनाहों की जिंदगी में था तो मेरा जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था ना दीन पे आने का वो पता क्या था वो ये हराम रिलेशनशिप्स थे और अभी जो भाई बात कर रहे थे कि मैं दीन की तरफ इसलिए नहीं आ पा रहा था सबसे बड़ा जो एक मुश्किल थी वो ये थी कि यार इस्लाम इज इस बोरिंग इस्लाम इज इस इम्प्रैक्टिकल ये शैतान का फितरा था और एक वसफसा था कि इस्लाम जब मैं दीन पे आऊँगा तो मैं मौलवी बन जाऊँगा और मेरे दोस्त मुझे छोड़ जाएंगे मेरे मेरे कज़न्स मुझे छोड़ जाएंगे मेरे रिलेटिव मुझे छोड़ जाएंगे मेरे घर वाले मुझे दूर हो जाएंगे रिटेलिएशन का सामना करना पड़ेगा मेरे ट्रैवल प्लान ख़त्म हो जाएंगे मेरे बिजनेस आइडियाज़ सब खत्म हो जाएंगे बिकॉज हमने तो बड़ा कुछ सोच के रखा हुआ था एंड आई मेड अ लिस्ट ऑफ़ थिंग्स दैट आई हैड टू लीव और जब वो लिस्ट बनाई तो मैंने उसको देख के हैरान हुआ मैंने कहा वो तेरी खैर यार ये सब छोड़ना पड़ेगा ट वैतानीड नहीं, नहीं, नहीं इस्लाम इज़ इस बोरिंग ना ना ना, ना, ना मॉल भी ना हुई दीन पे ना चली तो ये सब छोड़ जाएंगे बट खुदा की कसम वजीम आज तकरीबन बारह साल बाद मैं कसम उठा के कह सकता हूँ कि शैतान के जितने वादे थे वो झूठे थे और रहमान के जितने वादे थे वो सच्चे थे शैतान ने जितना कहा था ना कि तू अकेला रह जाएगा तुझे सब छोड़ जाएंगे वाला सब झूठ खौफ दिलाता है वो फकर्र से डराता है वो अः शैतान याकम्फाशाह तुम्हें फ़कीरी के वादे करता है और तुम्हें फौज काम करने का हुक्म देता है और क्या कहते हैं देखो मौलवि बनो दीन और दुनिया को साथ साथ लेके चलो इसका मतलब पता क्या है गुनाह भी करो लुट भी मचाओ और साथ साथ नमाजें ही पढ़ लिया करो ये जो हमारा पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंट दीन है ना हमारा हम क्या करते हैं हम कहते हैं यार हज भी करो हर साल नफली उम्र भी करो रमज़ान अभी आ रहा है लोग घरों में सबीले लगवाएंगे और तरावियाँ करवाएंगे लेकिन लोगों के ज़मीनों पर कब्जा करके उस पर प्रॉपर्टीज़ बना के बेचेंगे लोगों के माल को हड़प करेंगे झूठ बोल के अपना माल बेचेंगे अल्लाह ये, ये दीन मोहम्मद करीम नहीं लेके आए थे वो क्या दीन लेके आए थे इतुल तकन आबदन्नास गुनाहों से बचो तुम लोगों में अल्लाह के वली बन जाओगे सबसे सही बात गुजार बन जाओगे अगर आजकल के दौर में एक शख्स गुनाहों से बचते हैं ना और सिर्फ फराइज पर भी अमल कर रहा है वो इनशा इनशा अल्लाह का वली है सो so, ये आइडियाज और अल्लाह तला ने क्या वादे किए थे फीना लनह सुबुलना जो हमारी तरफ आने की कोशिश करेगा ना हम उसके लिए रास्ते खोल देंगे तुम एक कदम बढ़ाओ मैं दस कदम बढ़ाऊंगा तुम चल के आओ मैं दौड़ के आऊंगा एंड दिस दैट एडवाइस सो प्रैक्टिकल जो भी भाई पहले दे रहे थे कि गिव योर सेल्स ऑल्टरनेट जब म्यूजिक छोड़ना तो कुरान सुने आई डिड द सेम अल्लाह ने उस शैतानी कलाम की जो है ना कि मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दी और रहमान रहमानी कलाम की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी एंड लाइक वाइज जो जो चीज़ मैंने अल्लाह के लिए छोड़ी उसका अल्लाह ने मुझे दुनिया में बेहतर ऑल्टरनेट दिया मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी थी बाग पर जाके मैंने हदीस सामने आई कि तुम कोई भी महबूब चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ते हो चाहे वो बॉयफ्रेंड है चाहे वो गर्लफ्रेंड है चाहे वो ड्रग्स हैं चाहे वो कोई फिल्थ की एडिक्शन है अल्लाह ताला तुम्हें तो बेहतरीन बदला बदलाता करेगा ऑल्टरनेट देगा मैंने खुद देखा और आई वॉज कमिंग टू द टॉपिक ऑफ हराम रिलेशनशिप्स तो जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था वो हराम रिलेशनशिप्स था कि यार ये सब छोड़ना पड़ जाएगा इनको तो फिर टाइम कैसे गुजरेगा टाइम पास कैसे होगा आदत थी एक बुरी किस्म की एडिक्शन थी तो एक दिन मैंने कहा यार ऐसी की तैसी बहुत हो गया अब अल्लाह की तरफ जाना ही है तो फिर ये फिफ्टी फिफ्टी नहीं जाना प्रॉपर जाना है तो एक दिन मैंने इरादा किया कि बस आज का वो दिन है कि जिसमें मैं मैसेज कर रहा हूँ सबको और मैंने मैसेज लिखा और भेज दिया सबको उसमें लिखा कि आ, बहन <laughs> ये हराम है उन्होंने कहा क्या हो गया वाट्सप ये क्या अचानक से ये क्या हो गया मैंने कहा मेरी शरीयत में आपसे बात करना जायज़ ही नहीं है कहा अच्छा ये तुम कह रहे हो? होने तो कहा दो दिन का बुखार है ये फिर उधर जाएगा बड़ा दुख हुआ मुझे ये सुन के क्योंकि पहले भी मैंने स्टार्ट मार चुका था इस तरह का एक दफ़ा गलिबा सफ़र कर रहे थे तो गाने सुन सुन के तंग तंजा चुके थे तो मैंने कहा यार किसी मौलाना को सुनते हैं तो मैंने यूट्यूब पर लिखा एम ओ एल ए एन ए तो आगे से ना बहुत सारे मौलाना सामने आ गए तो एक उनमें से सबसे फेमस मौलाना थे गेस करें कौन होंगे वो यस yes, मोहन तारज साहब कौन कौन जानता है उनको हाथ खड़ा करें माशा आप सब जानते हैं अलहद आप नहीं जानते उनको इतनी सुस्ती नहीं होनी चाहिए इंसान की ज़िंदगी में इंसान हाथ ही ना खड़ा करे क्या हाथ खड़ा करना यार <laughs> खड़ा किया मैंने देखा ना हो. तो उस एक डेढ़ घंटे में उन्होंने मुझे क्या चपेड़े मारी मेरी जिंदगी के एग्जैक्टली exactly खिलाफ बातें यानी वो तो हक बता रहे थे लेकिन इस जो इस मुस्लिम आइडेंटिटी बयान कर रहे थे एग्जैक्टली exactly मेरी लाइफ उसके पौने डिग्री ऑपोजिट थी मैंने कहा मौलाना साहब पर्सनल क्यों हो रहे हैं यार ठीक है <laughs> लेकिन मैं बड़ा रोया हुआ उसने मैंने कहा तो हा यू क्लेम टू लव अल्लाह एंड यू क्लेम टू लव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी कोई नात सुन के तेरे दिल में कभी आंसू भी तेरे आंखों में आंसू भी आ जाते हैं बट इज एज टू लव काम तो तेरा हर उनकी सुन्नत के खिलाफ है लाइफ तो तेरी बिल्कुल अपोजिट है एंड यू क्लेम टू लव अल्लाह इन इज मैसेंजर यू आर फेक इन योर स्पीच तू दोनों मर इंसान है तू तो ठीक बंदा नहीं है कि तू बस बातें तो कर रहा है तेरा अमल कुछ भी नहीं है So, मैंने बड़ा उस दिन इमोशनल होके ना मैंने मैसेज कर दिया आज के बाद हम बात नहीं करेंगे खत्म तो मेरा ईमान ऐसे आसमानों पर था दो दिन गुजरे ना जब ईमान वापस अपनी औकात पे आया तो मैंने मैसेज किया सॉरी। <laughs> <laughs> मैंने कहा मैं बह गया था <laughs> तो उन्होंने कहा तुम ऐसी लिफंटर हो ये ऐसे हरकतें ना किया करो और सब कुछ तो मैंने जब इस दफा जब मैंने मैसेज किया ना उन्होंने बड़ा टॉट मारा उन्होंने कहा दो दिन का बुखारा उतर जाएगा बड़ा दुख हुआ मुझे मैंने कहा देर नॉट टेकिंग सीरियसली यार लेकिन दो दिन गुजर गए तीन दिन चार दिन और पाँच दिन गुजर गए आपके भाई ने कोई रिप्लाई नहीं किया लड़के की सख्ती देख रहे हो <laughs> तो वहाँ कोई रिप्लाई नहीं किया उन्होंने कहा खैरियत तो है कोई दो चार लेक्चर तुमने मुलाना के इकट्ठे तो नहीं सुन लिए पाँच दिन निकाल गए वो लड़के मैंने कहा नहीं आई हैड नियर डेथ एक्सपीरियंस और मेरा बाइक पे एक्सीडेंट हुआ था एंड आई वांट टू मूव ऑन ये जो सारा गंद है ना ये माँ बाप से भी चीटिंग अल्लाह से भी चीटिंग गुनाह के काम मैंने कहा आई वांट टू मूव अवे नया तो अल्लाह अकबर खुवान को अल्लाह ने बड़ा इंटेलेक्ट दिया जितनी है जितनी बहनें बैठी हैं आप अपने कान बंद कर लें मैं कुछ मर्दों से बातें करना चाहता हूँ यहाँ पे <laughs> जस्ट <laughs> नहीं, नहीं, जोकिंग तो आर्ग्यूमेंट आया कि ये तुम्हें तुम्हारा दीन से है किसी का दिल तोड़ना ये दीन से है किसी से वादे ना निभाना वो कहा गए जो ख्वाब तुमने मेरे दिखाए थे और अल्लाह माफ करे मैंने लंबे लंबे ख्वाब दिखाए हुए थे <laughs> शादी के बाद मोलदीव जाएंगे तो मैंने कहा ये बड़ा ये तो वैलिड आर्ग्यूमेंट है दीन तो दो, दिल तोड़ना नहीं सिखाता तो मैं फिर अपने शेख के पास गए शुक्र है, है शेख अलहमदिल्ला इसलिए मशाइ और मैंटोर्स लाइक अरसलान भाई एंड मोहन भाई आर वेरी इंपॉर्टेंट अपने आप को जोड़ लें लोगों से नथी हो जाएं ड्राइवर बन जाएं इनके सही बता रहा हूँ मैं अपने शेख का ड्राइवर बन गया था मैंने कहा शेख जहाँ जाना है मैं हाज़िर हूँ मैंने कहा शेख ये बड़ा वैलिड आर्ग्यूमेंट आया है मैं फिसलने वाला था नसली तो शेख ने कहा तो हाँ, कोई परेशानी की बात नहीं है ला लातल मखलूक फिर मासी खालक मखलूक की अत जायज नहीं है जब खाले की नफर की जा रही हो तो डोंट वरी अबाउट दिस पाउटिस आर्ग्यूमेंट तो मैंने यानी उन्होंने एग्जाम्पल दी कि माँ बाप की हर बात मानना हमारे पे फर्ज है लेकिन माँ बाप भी कहे ना पुत्र जरा वो शेरक कर बेटा तेरी शादी को छः साल हो गए हैं औलाद नहीं आ रही फलां पीर साहब हैं फलां बाबा जी हैं बड़े नेक गुजरे है और नो डाउट हम अल्लाह के औलिया की, की वल्ला ही कदर करते हैं अपने दिल से लेकिन उनकी ये टीचिंग्स टीचिंगी थी जो भी दरबारों पे हो रहा है जरा जाके सजदा करना बेटा वहां पे तुझे औलाद मिलेगी वहां से करेंगे बेटा तुम्हारी जॉब नहीं हो रही मास्टर्स पीएचडी तुमने कर ली है क्या कोई बंदिश तो नहीं हुई भी फलां पीर साहब है फलां बाबा जी उन्हें कबर पर जाके सजदा करो ना करेंगे कहेंगे ला तुश बिल्ला लेकिन क्या माँ बाप से बदतमीजी कर सकते हैं नहीं वह साहेब हुआ फिर दुनिया में आरूफ है अखलाक किरदार की बदतमीजी नहीं करेंगे लेकिन फिर फिर भी नहीं करेंगे और कहेंगे अम्मा जी बच्चा दुआ हुआ ही तो इबादत है अल्लाह के अलावा किसी से औलाद मांग लिया रिस्क मांग लिया किसी को मुश्किल कोशा हाजत रवा बिगड़ी बनाने वाला बना लिया तो फिर सो so, मैंने कहा मखलू के तात में खाले की नफरमानी जायज़ नहीं है तो मैंने कहा अच्छा तो हम फिर दोस्त बन जाते हैं फ्रेंड जोन में आ जाते हैं मैंने कहा कोई सीन नहीं है इसका भी उन्होंने तो कहा चले बहन भाई बन जाते हैं मैंने कहा मेरी अल्लाह ताला ने दो बहनें मुझे पहले अता की हैं अल्हद जिनसे मैं बहुत तंग था <laughs> नहीं और मेरे मैंने कितने अपने सीनियर से देखा कि माशा अल्लाह वो बहन भाई बने हुए थे शगुफ्ता बहन ये असाइनमेंट ले लीजिए तनवीर भाई असाइनमेंट दे दीजिए कितना पाक रिश्ता है ना ईमान ताज़ा होता है और ग्रेजुएशन के तीन चार महीने बाद हमारे घर ही घंटी बजती है हमारी शादी हो रही है आ जाना मैं हैरान तुम तो बहन भाई थे यार लड़का ऐसे पकड़ते है मुझे कहते हैं जानी समझा कर तो ये जो हमने जाली चूरन बनाए हुए हैं ना बहन भाई बने हुए हैं जब एक मर्द औरत, औरत अकेले होते हैं तीसरा कौन होता है होते हैं शैतान होता है तो ये बताएं कि मर्द की सोच कैसे पाक होगी या औरत की सोच कैसे पाक होगी तो ये सब हैंकी पैंकी ये है ऑटोपी ड्रामा है कि भाई बहन बने हुए हैं और हमारा देर कैन बी नो फ्रेंडशिप बिटवीन अ मैन एंड वुमेन और सिस्टर्स के लिए एक नसीहत कोई मर्द खानदानी नहीं है जब तक वो अपने मां बाप के जरिए आपको अप्रोच ना करे या आपके मां बाप को ना आके मैसेज पहुंचाए जो डायरेक्टली मैसेज करेगा ना इनबॉक्स में वो बंदा ठीक नहीं है जो डायरेक्टली अप्रोच करेगा ही इज नॉट राइट पर्सन टू टू एंगेज विद जो सिंसियर और सीरियस है ना वो माँ बाप के थ्रू आएगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है मेरी एक दौरे जाहलीत की एक फ्रेंड थी जब मैं चेंज हुआ मैंने सबसे अपना रिलेशन कट कर दिया मुझे बहुत अरसे बाद अपने एक दोस्त ने बचाया ही वो स्टिल इन टच विद हर कहते हैं वो बाहर वो हमसे भी ज्यादा आउट थी वो हम उसे रोका करते थे कि मत पढ़ो इन कामों में खैर वो इंग्लैंड चली गई शी हैड गोरा बॉयफ्रेंड बड़ी हैप्पी डोरी किस्म की लाइफ और सब कुछ व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट प्रेगनेंट अनफॉर्चुनेटली दैट गोरा बॉयफ्रेंड रियलाइज्ड कि शी इज प्रेग्नेंट लेफ्ट हर मेरा दफा हो तो जब मैंने अस्तित्व अपने साथ ही रखा था एन शी वैन डू डी डिप्रेशन एंड देन शीज टू से नो वैट डू वैट डिज ए मैन लाइक दैट अल्लाह के खौफ तकवा वाले लोग भी हैं हम खुद अपने गुनाह करते हैं और फिर इस्लाम से जस्टिफाई करना चाहते हैं लोगों को और फिर ब्लेम करते हैं कि शायद सभी ऐसे हैं हमने क्यों अपने आपको वेबल बनाया था सो देर के बी नो फ्रेंडशिप बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल द डे दैट बॉय क्रैक और अ होल एंड अपॉर्चुनिटी या आप आपकी वीकनेस देखें यू नीड अ शोल्डर टू लीन ऑन ही फाइंड द अपॉर्चुनिटी इन ग्रैब एट बट जो निकाह करके आएगा वो रिस्पॉसिबिलिटी उठाएगा कवाम बनेगा कवाम का मतलब क्या है और कवाम का ये मतलब नहीं है कि घर में जी आयो हडोजी चौधरी साहब आ गए हैं सारे और वो डर जाए नहीं कवाम का मतलब यह कि घिरते गिरते हुए को ना थामने का नाम कवाम है कि उसकी वाइफ उसके बच्चे सिक्योरिटी फील करें सन्स ऑफ सिक्योरिटी फील करें सो बात है कि जो रिलेशनशिप्स जिनमें हम बिफोर मैरिज इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कितनी बड़ी डिसऑनेस्टी है अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ या फ्यूचर वाइफ के साथ जो हमने एक्सपीरियंसेस उनके साथ कर थे जो हमने फीलिंग्स उनके साथ शेयर करनी थी कितनी बड़ी खयानत कर रहे हैं हम लोग उनके साथ अल्लाह के साथ तो ख्यानत है ही है और याद रखें अल्लाह से पर्णा जब भी इंटेलेक्चुअल सीन्स का जिक्र करते हैं ना गुनाहों का शुभो का कहते हैं ये ना करो ये ना करो लेकिन जब डिजायर्स का जिक्र करते हैं कुरान में जो कि इंसान को अच्छी लगती है इंसान माइल होते हैं तो ये नहीं कहते ना करो कहते करीब भी ना जाओ ला तक रबू यतीम के माल के करीब भी नहीं जाना क्योंकि तुम्हारे दिल को माल पसंद है तुम्हारे दिल में टेम्पटेशन डिजायर्स हैं हमारा जो ये नफ्स है ना अच्छा फिर अक्सर यूथ सवाल पूछते हैं तो है कि तो हाँ भाई ये बताएंगे क्या करें फिर हम कैसे इसको टेम करें कैसे अपने आप को ट्रेन करें फिर हो जाते हैं गुनाह तो सिंपल सी बात है अगर आप घर में दो केज हो एक में वाइट डॉग है और एक में ब्लैक डॉग है आप जब भी ऑफिस से निकलते हैं और आपने अपने काम वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि तुमने इस ब्लैक डॉग को तो खाना सर्व करना है फूड डॉग देना है मीट देना है फला देना है बट आप सिर्फ जो वाइट है उसे कुछ भी सर्व नहीं करते सिर्फ पानी के कुछ कतरे दे दिए दिन में आफ्टर अ फ्यू डेज दस पंद्रह दिन के बाद वाइट वाले की क्या हालत होगी और ब्लैक वाले की क्या हालत होगी वाइट वाला वीक होगा ना और ब्लैक वाला स्ट्रांग होगा लाइक वाइज हमारा जो नफ्स है ना एक इसमें नफ्स हमारा बिस है जो कि गुनाहों की दावत देता है और देखे नफसे लवामा जो कि रोकता है ना कर ना कर यार गुनाह है उठा कर फजर पे क्यों नहीं उठ पा रहा छोड़ दे ये गुनाह है तेरा अल्लाह अगर आज तू मर गया फिर क्या बनेगा तेरा ना कर मलामत करता है बार बार हम जिस सोल को फीड करेंगे उतनी भी स्ट्रांग होती जाएगी और नफ से अमारा बेसू जो गुनाहों की तरफ दवा उसकी उसको न्यूट्रिशन पता है क्या है उसके फीड क्या है म्यूजिक मूवीज बिज वॉचिंग नेटफ्लिक्स गालियां ऑडियो पॉइंट सुनना जो म्यूज़िक है आजकल का और विजुअल बुरा देखना आंखों की आंखों से बुना बुराई करना जिना करना ये इसका सोल है जब हम जितना करते हैं उतना वो स्ट्रेंथन होता है और फिर कहते हैं हमसे गुनाह नहीं छोड़े जाते और जो नफ्स लवाम है जो गुनाहों से रोकता है और मलामत करता है उसका सोल पता है क्या उसका न्यूट्रिशन उसका खाना पीना मीट क्या है कुरान की तिलावत तहजद की नमाज पढ़ना अल्लाह के साथ जिक्र और वजगार करना अल्लाह के साथ दुआएं करना नमाज़ में सजदे करना हम फीड तो अपने ब्लैक डॉग को कर रहे हैं और ब्लैक सोल को कर रहे हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा वाइट सोल स्ट्रांग होगा और हमें ताकत देगा कि हम हर नमाज में मस्जिद जाए हमारे अंदर इतनी ताकत तो और कुवत तो है कि हम पचास पचास किलो के डम्बस उठा तो लें चेस्ट पे लेकिन हमसे फजर पे वो पतली से चादर नहीं उठती क्यों क्योंकि हमारा वाइट सोल बड़ा वीक है हमने आज तक काम ही नहीं किया उस पर हमने टाइम नहीं दिया उसे एंड देन वी एक्सपेक्ट के पता नहीं कुछ इस्लाम शॉर्टकट का नाम तो नहीं है कि आप आए और शुफ शुफ आप पे कोई करे और आप ठीक होके चले जाए इस्लाम नीड सेक्रीफाइस सेक्रीफाइज एफर्ट वो लधीनाफीना दिया जो तुम्हारे जो आने की कोशिश करेगा याद रखें द फर्स्ट स्टेप विल शुड ऑलवेज बी टेकन बाई यू गायज

हमें बड़ी एक प्रोफाउंड एडवाइस की और वो करते रहते हैं अक्सर डिफरेंट एंगल से और वो पता है क्या उसका करैक्स क्या है वो कहते हैं कि यार ही इज़ वेरी वेल ट्रेवल्ड बहुत सारे जाइंट्स के साथ बैठे हैं उलमा के साथ और बहुत एक्सपोजर वाले हैं कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में एक सबक सीखा और वो क्या है कि जब अगर तुम मुसलमान हो अगर तुम नेक इंसान बनना चाहते हो तुम्हारे तुम्हारे अंदर खैर है तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो अगर ये तुम्हें शर्त है अगर तुम्हें और तुम अल्लाह की मोहब्बत के साथ किसी और की मोहब्बत को ले आओ तो जान लो कि अल्लाह ताला उस मोहब्बत को तोड़ के रख देंगे ताकि तेरी मोहब्बत अल्लाह के लिए खालिस हो जाए चाहे वो औलाद की मोहब्बत है चाहे वो माँ बाप की मोहब्बत है चाहे वो माल की और किसी बिजनेस की मोहब्बत है जो तेरी अल्लाह की मोहब्बत के करीब आ रही है या बराबर पहुंच चुकी है अल्लाह वो छीन लेंगे ताकि तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह के लिए खालस हो जाए और तुम्हारी नज़रें आखिर में अल्लाह भी उठे अल्लाह तो ही है अब सो इफ़ वी वॉन्ट आवर ब्लेसिंग्स टू रिमेन विद दस हम हमेशा उनको अल्लाह की मोहब्बत से नीचे रखें ताकि अल्लाह हमसे वो ना छीने बट इफ़ यू वॉन्ट कि हमारी बीवी और हमारी औलाद और हमारे माँ बाप से और अगर हम नेक इंसान और मुसलमान बनना चाहते हैं तो फिर उनको साथ ले या अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर ले आएँ तो फिर वो छीन ली जाएगी हमसे ज इन्वेस्ट इन यूर सेल्फ आज टाइम है जब यह सांस आ और जा रही है ना आज ये मौका है कि अपने अल्लाह को राजी कर लें वाह दिस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू राइट नाउ बिकॉज याद रखें जन्ना इज मेड फॉर सिनर्स एंड जहन्नम इज मेड फॉर सिनर्स बट जन्ना इज मेड फॉर सिनर्स हु रिपेंटेड एंड जहन्नम इज मेड फॉर सिनर्स हु नेवर रिपेंटेड नेवर चेंज द लाइफ स्टाइल्स सो so, आज ये मौका है और इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में ये इरादा करें कि वी वॉन्ट टू बी फ्राम दिनर्स रिपेंटेड एंड चेंज देर लाइफ स्टाइल ताकि अल्लाह तला हमें अपनी जन्नतों में दाखिल करें इन शह मेरी दुआ है किसमान तब को अपनी जन्नत में इकट्ठा फरमाएँ रसूल सल्ला वसलम का साथ नसीब फ़रमाएँ और इन शह अल्लाह के ख़ास फजल व करम और रहमत से अल्लाह ताली मेरी और आपकी और जो भी यहाँ मौजूद हैं हमारी जन्नत में मुलाकात कर रहे इन शह और वहाँ पे आप हमें मिल के बताएँ कि यू you नो know, हम राइज कॉन्फ्रेंस पे आए थे एंड ऑन दैट डे वी मेड सम बोल्ड डिसीजंस इन लाइफ और हमने कुछ फैसले किए थे और हम उन पर डटे रहे और जमे रहे अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ दोज बोल्ड डिसीजंस हम आज अल्लाह की जन्नतों में हैं और अगर ना आते या सिर्फ एक कान सुन के निकाल देते तो पता नहीं आज हम कहाँ पर होते हैं और इन शाला उस दिन आप सबको पिज्ज़ा पार्टी में तरफ से होगी इन शाला अलमैक वरम्ह वर्क